गोमती नदी के दोनों तरफ स्थित उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थापना आसिफुद्दौला ने 1775 में की थी। अवध के शासकों ने लखनऊ को अपनी राजधानी बनाकर इसे समृद्ध किया और आगे चलकर ब्रिटिश राज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1850 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार लखनऊ के नवाबों का शासन खत्म हुआ। जानकारी के लिए बता दूं कि नवाब वाजिद अली शाह एक संगीतकार भी थे। वे ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। उनके दरबार में हर दिन संगीत का जलसा हुआ करता था और ठुमरी को कत्थक नृत्य के साथ गाया जाता था। और आपको बता दूं कि गदर फिल्म की शूटिंग भी लखनऊ में ही हुई थी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, बड़ा इमामबाड़ा। ये लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस कमाल की कारीगरी को भूल भलैया या आसिफी इमामबाड़ा भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 में अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत मरहूम हुसैन अली की शहादत की याद में कराया था। ईरानी निर्माण शैली की इस गुंबद नुमा इमारत की लंबाई 50 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। इमारत की छत तक जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं जो ऐसे रास्ते से जाती हैं किसी भी अनजान व्यक्ति को भ्रम में डाल देती हैं। इसलिए इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। नंबर दो, छोटा इमामबाड़ा। इसका निर्माण लखनऊ के चौथे नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1837 में कराया था। इसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा भी कहा जाता है। मकबरे के विपरीत दिशा में सतखंड नामक अधूरा घंटाघर है। 1840 में अली शाह की मृत्यु के बाद इसका निर्माण रोक दिया गया था। उस समय 67 मीटर ऊंचे इस घंटाघर की चार मंजिल ही बनी थी। नंबर तीन, रूमी दरवाजा। गोमती नदी के तट पर स्थित इस दरवाजे का निर्माण भी बड़ा इमामबाड़ा के साथ ही अकाल के दौरान 1783 में हुआ ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 60 फीट ऊंचा अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है और इस दरवाजे के पास में बना है गोमती नदी पर पक्का पुल, जिसे लाल पुल भी कहते हैं। ये वही पुल है जिस पर सनी देओल अमीषा पटेल को अपने ट्रक में लेकर भागते हैं फिल्म गदर में। नंबर चार, ला मॉर्टिनियर कॉलेज। आपको बता दूं कि ये लॉ कॉलेज नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये कॉलेज लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग परिसर में दो कॉलेज है, जिनमें बॉयज कॉलेज की स्थापना 1845 में हुई और गर्ल्स कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई। दोस्तों, इसी कॉलेज को फिल्म गदर में पाकिस्तान दिखाया गया था। सनी देओल का वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना और नल उखाड़ने वाला सीन, उसके बाद फाइट वाले सीन, वो सब यहीं पर शूट किए गए थे। नंबर पाँच, अम्बेडकर मेमोरियल पार्क। गोमती नदी के तट पर स्थित ये पार्क भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। यह पार्क ज्योतिराव फूले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहूजी महाराज, कांशीराम और उन सभी लोगों के जीवन और स्मृतियों का सम्मान करता है जिन्होंने मानवता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित किया। इस स्मारक का निर्माण तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने कराया था। स्मारक की आधारशिला 1995 में रखी गई और 14 अप्रैल 2008 को इसे जनता के लिए खोला गया था। और यहाँ भोजपुरी गानों की शूटिंग के अलावा हिंदी गानों की शूटिंग भी होती है। यहाँ का एक गाना याद दिला देता हूँ, यंगिस्तान फिल्म का, सुनो ना संगे मरमर की ये मीनारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। नंबर छह, गौतम बुद्ध पार्क। गोमती नदी के तट पर स्थित ये पार्क यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों और पार्कों में से एक है जो इन सब में नवीनतम है। इस खूबसूरत पार्क में भगवान बुद्ध की मूर्ति के अलावा बच्चों के लिए खूबसूरत झूले आदि भी मौजूद हैं और आप यहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं। नंबर सात, घंटाघर। इसे ब्रिटिश वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में माना जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। 221 फीट ऊंचे इस घंटाघर का निर्माण 1887 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने सर जॉर्ज कूपर के आगमन पर करवाया था। जॉर्ज कूपर संयुक्त अवध प्रांत के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नंबर आठ, रेजिडेंसी संग्रहालय। इसका निर्माण 1780 में नवाब आसफुद्दौला ने शुरू करा, जिसे बाद में नवाब शहादत अली द्वारा 1800 में पूरा कराया गया। ये रेजिडेंसी अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान हुआ करता था। आज इन इमारतों के भग्नावशेष ही बचे हैं। इसके खंडर हमें लखनऊ में 1857 के महान विद्रोह की याद दिलाते हैं। यह ऐतिहासिक इमारत शहर के केंद्र में हजरतगंज क्षेत्र के पास स्थित है। नंबर नौ, जनेश्वर मिश्र पार्क। गोमती नदी के तट पर स्थित ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। यह समाजवादी पार्टी के दिवंगत राजनीतिक जनेश्वर मिश्र की याद में बनाया गया था। इस पार्क का उद्घाटन 5 अगस्त 2014 को हुआ। इसमें एक बहुत बड़ी झील भी है जिसमें आप गंडोला नाव की सवारी कर सकते हैं। नंबर 10, लखनऊ जू। शहर के केंद्र में स्थित ये चिड़ियाघर 1921 में स्थापित हुआ। इसे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। इस परिसर में तितली पार्क और सफेद बारादरी भी है जिसका निर्माण अवध के दूसरे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने 1828 में कराया था। इस चिड़ियाघर में बंगाल टाइगर, शेर, भेड़िया, भालू, गैंडा, हिरण, जेब्रा, हाथी, जिराफ आदि कई प्रकार के जानवर देखे जा सकते हैं।
यहाँ आप टॉय ट्रेन से भी घूम सकते हैं। ये चंद्रपुरी स्टेशन से जू के सभी स्थानों से होकर गुजरती है। नंबर 11 जामा मस्जिद। हुसैनाबाद इमामबाड़े के पास स्थित इस मस्जिद को जामी मस्जिद भी कहते हैं। नवाब हुसैन अली शाह ने इसे 1839 में बनवाना शुरू किया, मगर उनकी अचानक मौत के बाद उनकी पत्नी ने 1845 तक इसका निर्माण पूरा किया। नंबर 12 शहीद स्मारक। ये गोमती नदी के तट पर विकास प्राधिकरण द्वारा उन अज्ञात और गुमनाम सेनानियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने 1857 में आजादी के पहले युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी। लखनऊ में आजादी की पहली लड़ाई में कई निवासी शासकों और नवाब वाजिद अली शाह व उनकी बेगम हजरत महल ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। नंबर 13 पिक्चर गैलरी। छोटा इमामबाड़ा और घंटाघर के निकट ये गैलरी 19वीं शताब्दी में बनी थी। यहाँ लखनऊ के लगभग सभी नवाबों की तस्वीरें देखी जा सकती है। ये गैलरी लखनऊ के उस अतीत की याद दिलाती है जब यहाँ नवाबों का राज था। ये भी गोमती नदी के तट पर स्थित है। नंबर 14 मोती महल। गोमती नदी की सीमा पर बनी तीन इमारतों में मोती महल प्रमुख है। मुबारक मंजिल और शाह मंजिल मोती महल की दो अन्य इमारतें हैं। इनकी बालकनी से जानवरों की लड़ाई और उड़ते पक्षियों को देखने के लिए नवाबों के लिए इन इमारतों को बनवाया गया था। नंबर 15 छतर मंजिल। गोमती नदी के तट पर स्थित इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण प्रारंभ नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने किया और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने इसे पूरा कराया। इस दो मंजिली इमारत के ऊपर एक विशाल सुनहरी छतरी है जो दूर से देखी जा सकती है। नंबर 16 दिलकुशा कोठी। गोमती के तट पर इस कोठी को सन 1800 में तत्कालीन नवाब सादत अली खान के दोस्त ब्रिटिश मेजर गोरे ओसले ने एक शिकार ग्रह के रूप में बनवाया था। इस कोठी की खासियत यह थी कि इसकी चौड़ाई कम और ऊंचाई ज्यादा थी। इस अंग्रेजी स्टाइल की कोठी में कोई आंगन भी नहीं था। वर्तमान में यह इमारत खंडर बन चुकी है। नंबर 17 बेगम हजरत महल पार्क। शहर के बीच स्थित यह सुंदर पार्क नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल की स्मृति में बनवाया था। 1857 के विद्रोह में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने इस हरे भरे बाग के बीच संगमरमर का स्मारक बनाया था। नंबर 18 कुड़िया घाट उद्यान। गोमती नदी का कुड़िया घाट प्राचीन स्थानों में से एक है। इसका नाम कौडिल्य ऋषि के नाम पर पड़ा था जिन्होंने शुरुआती समय में यहाँ अपना आश्रम बनाया था। इस सुंदर घाट के पास एक कपोला से ढका बलुआ पत्थर का पक्का मंच है। बहुत लोग यहाँ तैराकी का आनंद भी लेते हैं और उचित दर पर यहाँ नाव की सवारी भी उपलब्ध है। नंबर 19 सिकंदर बाग। इसे नवाब वाजिद अली शाह ने ग्रीष्म आवास के तौर पर बनवाया था। नवाब ने इसका नाम अपनी पसंदीदा बेगम सिकंदर महल के नाम पर रखा था। इसके बीच में एक मंडप है जहां नवाब द्वारा कथक नृत्य के शैली में प्रसिद्ध रासलीला का मंचन व मुशायरे आदि का आयोजन किया जाता था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान हुई लखनऊ की घेराबंदी के समय ब्रिटिश और औपनिवेशिक सैनिकों से घिरे सैकड़ों भारतीय सिपाहियों ने इस बाग में शरण ली थी। 16 नवंबर 1857 को ब्रिटिश फौज ने इस बाग पर चढ़ाई कर लगभग 2000 सिपाहियों को मार डाला था। नंबर 20 आंचलिक विज्ञान नगरी। इस रीजनल साइंस सिटी में आप पूरी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। यहाँ विज्ञान से जुड़ी कई जानकारियाँ आपको मिलेगी। यहाँ पर 3D थिएटर भी है जिसमें विज्ञान की जानकारी पर आधारित फिल्में दिखाई जाती हैं। दोस्तों इनके अलावा भी बहुत कुछ है इस नवाबों के शहर में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट में कुछ तो बताया करो यार, और सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, कुछ तो करो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।